सलमान खान को 5 साल की सजा होने के बाद पूरे बॉलीवुड के अंदर सन्नाटा छा गया है और चारों तरफ से उनकी रिहाई की गुहार लगाई जा रही है। इसी को लेकर सूत्रों की माने तो बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान सलमान खान की सजा को लेकर कहा है कि सलमान खान दोषी है या नहीं यह फैसला कोर्ट को ही करने दीजिए। सलमान खान दोषी है तो मैं कामना करता हूँ कि सलमान खान को कम से कम साल की सजा हो। काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। फिलहाल सलमान खान को जोधपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया है। ये वही जेल है जहां रेप के आरोप में आसाराम बापू अपनी सजा काट रहे हैं। सलमान को अग्रिम जमानत मिलने तक फिलहाल इसी जेल में रहना होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें शुक्रवार को सेशन कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। पिछले 19 सालों में सलमान खान काला हिरण शिकार मामले में अलग अलग दफा 18 दिन जेल में गुजार चुके हैं। सबसे पहले वन विभाग ने उन्हें 12 अक्टूबर 1998 को हिरासत में लिया था और तब वह 17 अक्टूबर तक 6 दिनों के लिए जेल में रहे। इसके बाद घोड़ा फार्म मामले में 10 अप्रैल 2006 को सलमान को लोअर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। इस मामले में जमानत मिलने तक 15 अप्रैल 2006 तक उन्हें जेल में ही गुजारने पड़े थे। सेशन कोर्ट ने भी इस सजा की पुष्टि की और इसके बाद 31 अगस्त 2007 तक सलमान खान जेल में रहे। आप लोगों की सलमान खान की सजा को लेकर क्या राय है? क्या सलमान खान को सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कहा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले।